दोस्तों, साल तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। नया साल आएगा, 2020 आया है, 2021 आएगा। लेकिन आने और जाने के बीच में कुछ उस साल में होता भी है, और वो जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। और आज हम इस वीडियो में 2019 में हुई रिसर्चेस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, क्या क्या चीज़ें हुई जो हमारे पृथ्वी के लिए हानिकारक हैं, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जो इंसानी भविष्य को बदल देंगे। आने वाले भविष्य में इंसान बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नितिन त्रिपाठी, और स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल वॉच फॉर नॉलेज में। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक टीवी का एसडी कार्ड, 9 जनवरी 2019। दोस्तों, कैमरे, मोबाइल फ़ोन या टैबलेट में फ़ोटो, वीडियो या अन्य चीज़ें स्टोर करते करते पता ही नहीं चलता है कि उसमें दी गई 32, 64, 128 या 256 GB का जगह का भर गया। इस स्टोरेज की मांग को पूरा करने की तकनीक 1 TB का सेकुलर डिजिटल एसडी कार्ड बनाया गया, और इसे लग्जर कंपनी द्वारा बनाया गया है जो कि 95 MB/s की रफ्तार से डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। दोस्तों, गूगल ने तैयार किया त्वचा रोग चिकित्सक। 11 सितंबर 2019, गूगल ने बताया कि उसने एक डीप लर्निंग सिस्टम DALS तैयार किया है जिसने 50,000 प्रकार की जांच और विश्लेषण करना सीखा है। यह सिस्टम 26 तरह की स्किन से जुड़ी डिजीजेस को भी पकड़ सकता है, उनसे समस्याओं को पकड़ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्किन डॉक्टर पकड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित तस्वीरों और मरीज से मिली जानकारियों पर यह काम करता है। ७२,००० किलोमीटर करीब से गुजरी तबाही एक दिन पहले ही खोजी गई, 6 मई 2019। दोस्तों, विज्ञान अब भी हमारी पृथ्वी पर आने वाले खतरों के बारे में वाजिब समय पर सचेत करने जितनी तरक्की नहीं की है। पृथ्वी के केवल 72,000 किलोमीटर दूरी से 2019 में ओके नाम का एक उल्का गुजरा, जिसका आकार करीब 130 मीटर का था। पृथ्वी के इतने करीब किसी उल्का का आने की यह एक दुर्लभ घटना थी। इसकी खोज एक दिन पहले हुई जब यह पृथ्वी से केवल 15 लाख किलोमीटर दूर रह गई थी। पृथ्वी के निकट आने की इसकी गति 5,88,500 किलोमीटर/घंटा थी। अगर यह पृथ्वी से टकरा जाता तो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बमों से 30 गुना ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती। इसे मानव प्रकृति और पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता। प्रेस ने इसे सिटी किलर का नाम दिया, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इससे नुकसान करीब 100 शहरों जितना होता, यानी यह 100 शहरों को बर्बाद कर देता। कंप्यूटर पर फैला 20 साल पुराना प्लेग, 14 अगस्त 2019। दुनिया में बहुसंख्यक में उपयोग हो रहे माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में 20 साल पुराना STAF सामने आया। इसने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 तक को अपने चपेट में ले लिया। इस बग के जरिए किसी भी कंप्यूटर के पूरे सिस्टम पर नियंत्रण किया जा सकता था। पकड़ में आने पर माइक्रोसॉफ्ट ने इस पर पैच अपडेट जारी किया। जीवन खत्म होने की रफ्तार हुई तेज, 6 मई 2019। वैज्ञानिकों ने करीब 14 साल के अंतराल पर जैव विविधता और जैव पर्यावरण पर सरकारों के बीच बनी विज्ञान नीति की एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार पृथ्वी के 10 लाख से अधिक जीव लुप्त होने के कगार पर हैं। यही नहीं, पृथ्वी से जीवन खत्म होने की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि जितने पहले कभी नहीं हुई थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह मानवीय गतिविधियों को करार दिया गया है। दोस्तों, मनुष्यों, हम इंसानों के गतिविधियों के कारण जानवरों का जीवन खतरे में आ गया है। यहाँ की 10 लाख से अधिक जानवर लुप्त होने कगार पर हैं, और ये सब जो हो रहा है, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और कई सारे इसके कारण हो सकते हैं, जो नदी पॉल्यूट हो रही है। दोस्तों, हम कई सारे मूवीज़ में देखते हैं, दिल्ली सफारी मूवी निकली, उसमें भी बताया था कि अगर जानवर नहीं रहेंगे तो इंसान भी नहीं रहेंगे, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो
मनुष्य को कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे जानवरों का जीवन खतरे में आए, यहाँ तक कि उनकी पूरी स्पीसीज, उनकी पूरी जात ही लुप्त होने कगार पे होने जा रही है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। और हाँ दोस्तों, जो लोग भी ब्रह्मांड से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम एक सीरीज़ लाने वाले हैं जिसमें हम यूनिवर्स के जन्म से लेके और उसके जो अंत के बारे में सोचा गया है वहाँ तक की पूरी बातें करेंगे। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ और कुछ नई चीज़ें जानेंगे।